हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आंसर्स देने वाला हूँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का, जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, कांस्टेबल का कब आएगा। तो इसका पूरा डिटेल्स मैं बताऊँगा अभी। जैसा कि आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, जिसका फिजिकल 14 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में होने वाला है। और उसके बाद आपका जो है फार्मेसिस्ट का, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिस्ट का जो रिजल्ट सॉरी एडमिट कार्ड रिलीज कर चुका है। और काफ़ी स्टेट में, जो नियर बाय मध्य प्रदेश में जितने भी कैंडिडेट जो भरे हैं फार्मेसिस्ट से, उसका भी एडमिट कार्ड पहुंच चुका है। और नियर बाय जो कैंडिडेट है वहां पे अभी पहुंच धीरे धीरे करके एड्रेस जो नज़दीकी एड्रेस है वहाँ पे पहुँच रहा है, जिसका एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है। और उसके बाद आपका उस फार्मेसिस्ट का भी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, जिसका कुछ एडमिट कार्ड अगर मेरे पास आता है स्क्रीनशॉट, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा कि कहाँ पर सेंटर पर है। पर सेंटर की बात की जाए तो आपका सेंटर सीआरपीएफ का, जो आप पैरामेडिकल स्टाफ का जब फॉर्म ऑफलाइन भर रहे थे, उस समय आपका ऑप्शन दिया गया था, 2 टोटल 9 या 10 सेंटर दिया गया था, जिसमें से आपको 2 ऑप्शन चूज करना था। उसी 2 ऑप्शन में से आपका इस फिजिकल वहीं पर होने वाला है। और उसके बाद फार्मेसिस्ट के बाद आपका जितने भी सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर हो गया, इंस्पेक्टर डाइटिशियन हो गया, आपका जो फार्मेसिस्ट के बाद इंस्पेक्टर डाइटिशियन का एग्ज़ाम होगा फिजिकल, और उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन का होगा, उसके बाद जो बाकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है उसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ध्यान से समझ ले। और उसके बाद लास्ट में इस दिसंबर तक आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और जितने भी उस अंतर्गत पोस्ट आते हैं उसका आपका एग्ज़ाम होगा। यानी एग्ज़ाम के मतलब फिजिकल होगा पहले, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चंस है कि हेड कांस्टेबल का इसी मंथ से भी इसका स्टार्ट हो जाएगा, और इस मंथ से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका फिजिकल कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद इस आपका कांस्टेबल सफाई कर्मचारी हो, कांस्टेबल टेबल बॉय हो, वाशरमैन हो, जितने भी कांस्टेबल से ट्रेड का पोस्ट है उसका सबसे कम पोस्ट में जो फॉर्म भरा गया है उसका आपका एग्ज़ाम होगा पहला। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है सफाई कर्मचारी में ही फॉर्म डाला गया है, इसलिए सफाई कर्मचारी का जो एडमिट कार्ड है सबसे लास्ट में आपका देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी के एंड तक आपको उसका एडमिट कार्ड सभी का आएगा। धीरे 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 आपका फिजिकल का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, और उसके लिए सेंटर काफ़ी बढ़ाए भी जाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड पहुंचने वाला है घर पे, और फिजिकल भी आप देने जा सकते हैं। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग यही करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा था। अगर नहीं पहुंचा टाइम के अंदर में, अगर स्टाफ नर्स का और फार्मेसिस्ट का, तो समझिए कि आप कुछ फॉर्म भरने वक्त आप गलती किए थे। तो यही इन्फॉर्मेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको बताएंगे कि आपका जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, और कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको फॉलो करते हुए आपको सेंटर पे पहुंचना है। तो आई होप कि आपको समझ में क्लियर आ गया होगा कि आपका जो प्रोसेस है, सबसे कम फॉर्म जो पोस्ट में डाला गया है उसी का एग्ज़ाम पहले होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो है सफाई कर्मचारी का। तो इसलिए सफाई कर्मचारी का जो कांस्टेबल का है वो सबसे लास्ट में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जो कि फिजिकल होने वाला है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इतना ही इन्फॉर्मेशन।